मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कुर्ला में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 4 मंजिला इमारत गिर गई है। इसके नीचे दबकर करीब 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने करीब 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है और 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों के अभी अंदर दबे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इमारत कमज़ोर थी और अचानक ये इमारत ढह गई जिसमें गरीब और कामगार लोग रहते थे। इमारत गिरने से पहले ज़ोरदार धमाका हुआ था, इससे आसपास के लोग दहशत में आकर बाहर निकल आए थे। बचाव अभियान के लिए दमकल की टीम और पुलिस मौके पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मैं राजू धनके, मैं बाजू में रहता हूँ। ये कौन सी जगह है और क्या हादसा हुआ है, कितने बजे हुआ? ये नेहरू नगर शिव सृष्टि रोड नाइक नगर का मामला है। यहाँ पर जो 4 बिल्डिंग है वो चारों के चारों बहुत साल पुरानी है और इसके बारे में बार बार मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस लगा के रखा है कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग है वो गिरने वाली है, आप खाली कर दो। लेकिन यहाँ सोसाइटी और बिल्डर में कुछ जो चल रहा है कई सालों से, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है और आज इसका परिणाम ये हुआ है। आज ये 4 माले की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ के वो बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है जिसमें कई लोगों की मरने की आशंका है। ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर और 2nd 3rd चारों फ्लोर में लोगों के दबने की आशंका है और हमारा यही कहना है BMC को तुरंत से तुरंत ये चारों बिल्डिंगों को खाली कर दे और चारों बिल्डिंग गिरा के प्रशासन अपने कब्जे में ले, जैसे कि और लोगों को भी जान सके। क्या नाम है बिल्डिंग का? ये नाइक नगर सोसाइटी है, नाइक नगर में 4 बिल्डिंग है। लगभग कितने लोग वहाँ बिल्डिंग में रहते हैं? मुझे लगता है लगभग 30 से 40 लोग टोटल इस बिल्डिंग में रहते हैं। कितने लोग बच पाए हैं, कितना रेस्क्यू का कार्य चल रहा है? अभी तो पता नहीं चल पाया, नीचे अंदर लोग दबे हुए हैं और कितने लोग मर चुके हैं ये भी पता नहीं, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ लोगों की आवाज़ आ रही। लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर जल्द से जल्द आना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए।